ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਰਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਈਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਢਾਣਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 5 ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ये जो हादसा हुआ, ये ढाणी करके हुई जगह है ये। हाँ जी। और यहाँ पे एक गाड़ी थी जो जिसका वाइट कलर की ईको थी। हाँ जी। उसका स्टीयरिंग फेल हुआ है, अपने आप गाड़ी तिरछी होने लगी थी। जिसको बचाने के लिए ब्रीजा थी वो डिवाइडर पे चढ़ गई। अच्छा। उसके पीछे किया थी, जो किया थी वो सीधी जाके फिर ईको में घुसी है। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, अर्टिगा ग्रे कलर की खड़ी हुई है, इसके पीछे वाइट वाली थी। तो ये सारा ईको के कारण हुआ जिसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। अच्छा। सभी गाड़ियां जो एक दूसरे में टक्कर होगी, पीछे से जाते सभी दिल्ली की तरफ जा रही थी क्या? ये हम लोग हिसार से और दिल्ली की साइड जा रहे थे। मैं रोहतक जा रहा था एक्चुअली। क्या किसी को चोटें भी आई हैं सर? नहीं, चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी सारी डैमेज हो गई, खत्म हो गई। 5 की 5 गाड़ी, 5 की 5 गाड़ी ऑलमोस्ट। क्या फैमिली थी, कोई बच्चे थे? फैमिली भी थी किसी गाड़ी में, बच्चे भी थे। मैं अपनी गाड़ी में अकेला था, मैं रोहतक जॉब करता हूँ, रोहतक जा रहा था। हाँ जी सर। तो किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है, किसी की चोट वगैरह आई है, लेकिन गाड़ियाँ सारी डैमेज थी। किस समय पूरी पूरी घटना हुई सर? ये करीब 8:10 के आसपास की बात। आज सुबह कहीं ना कहीं धुंध ज़्यादा थी, इस वजह से भी मान सकते हैं। धुंध की तो नहीं कह सकते, अगर धुंध ना भी होती और बाई चांस एकदम गाड़ी सामने वाली क्रॉस करने लगे तो भी ये हादसा हो सकता है। तो धुंध तो कम थी, लेकिन ये उस जो ईको था, ईको का स्टीयरिंग फेल हुआ है उसके कारण। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना सर? चोट किसी के नहीं आई है, मतलब गाड़ियों की डैमेज हो जितनी भी। यस, गाड़ियां सारी डैमेज हैं। दो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, बाकी दो अभी गाड़ी खड़ी हैं, 3 गाड़ी जा चुकी हैं, क्रेन ले गई है जो। क्रेन ले गई। यस। तो गाड़ियों की डैमेज हुई जो भी है, किसी को चोट नहीं आई। भयानक सड़की हादसे दे विच 5 कारां चकनाचूर हो गईयां। दस दिए कि एक तो बाद एक करके ये कारां आपस दे विच टकराईयां ने। जिहड़ी कार सब तो अगे जा रही सी ਉਸਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਈਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਢਾਣਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 5 ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ये जो हादसा हुआ, ये ढाणी करके हुई जगह है ये। हाँ जी। और यहाँ पे एक गाड़ी थी जो जिसका वाइट कलर की ईको थी। हाँ जी। उसका स्टीयरिंग फेल हुआ है, अपने आप गाड़ी
तिरछी होने लगी थी, जिसको बचाने के लिए ब्रीजा थी वो डिवाइडर पे चढ़ गई। अच्छा। उसके पीछे किया थी, जो किया थी वो सीधी जाके फिर इको में घुसी है। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी अर्टिगा ग्रे कलर की खड़ी हुई है, इसके पीछे वाइट वाली थी। तो ये सारा इको के कारण हुआ जिसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। अच्छा, सभी गाड़ियाँ जो एक दूसरे में टक्कर होगी पीछे से जाते, सभी दिल्ली की तरफ जा रही थी क्या? ये हम लोग हिसार से और दिल्ली की साइड जा रहे थे, मैं रोहतक जा रहा था एक्चुअली। क्या किसी को चोटें भी आई हैं सर? नहीं, चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी सारी डैमेज हो गई, खत्म हो गई, पांच की पांच गाड़ी, पांचों की पांचों गाड़ी ऑलमोस्ट। क्या फैमिली थी, कोई बच्चे थे? किसी फैमिली भी थी किसी गाड़ी में, बच्चे भी थे, मैं अपनी गाड़ी में अकेला था। मैं रोहतक जॉब करता हूँ, रोहतक जा रहा था। हाँ जी सर। तो किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है, किसी की चोट वगैरह आई है, लेकिन गाड़ियाँ सारी डैमेज थी। किस समय पूरी पूरी घटना हुई सर? ये करीब 8:10 के आसपास की बात, आज सुबह। आज सुबह कहीं ना कहीं धुंध ज़्यादा थी, इस वजह से भी मान सकते हैं। धुंध की तो नहीं कह सकते, अगर धुंध ना भी होती और बाई चांस एकदम गाड़ी सामने वाली क्रॉस करने लगे तो भी ये हादसा हो सकता है। तो धुंध तो कम थी, लेकिन ये उस जो इको था, इको का स्टीयरिंग फेल हुआ है उसके कारण। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना सर? चोट किसी के नहीं आई है, मतलब गाड़ियों की डैमेज हो जितनी भी। यस, गाड़ियां सारी डैमेज हैं। दो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, बाकी अभी गाड़ी खड़ी है, तीन गाड़ी जा चुकी है, क्रेन ले गई है, जो क्रेन ले गई। यस, तो गाड़ियों की डैमेज हुई जो भी है, किसी को चोट नहीं आई।